दोस्तों स्वागत है आपका अपने स्पीड डब्ल्यूएस चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज जो मैं डॉग ब्रीड लाया हूँ आपके सामने उसका नाम है बेल्जियन शेफर्ड, जिसे कई बार मालिनवा या बेल्जियम शेपडॉग के नाम से भी जाना जाता है। और धीरे धीरे इंडिया में यह डॉग ब्रीड काफ़ी पॉपुलर होते जा रहा है और मैंने अक्सर देखा है कि लोग जानना चाहते हैं एक प्योर ब्रीड बेल्जियन शेफर्ड का प्राइस क्या हो सकता है इंडिया में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बेल्जियम शेफर्ड से जुड़ी हर जानकारी मैं आपको दूंगा और आपके हर डाउट क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसके पहले कि हम लोग अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते आया हूं कि मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स जहाँ तक बेल्जियन शेफर्ड की पॉपुलरिटी की बात है, इसका वर्ल्ड में 43 रैंक आता है आउट ऑफ 195 डॉग ब्रीड्स, लेकिन इंडिया में यह डॉग ब्रीड धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। दोस्तों यह बेल्जियन शेफर्ड भले ही वर्ल्ड में उतना पॉपुलर नहीं हो, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि यह वह डॉग है जिसे अमेरिकन नेवी सील ने ओसामा बिन लादेन को 2011 में मारने के दौरान इस डॉग ब्रीड का यूज़ किया था। इसके अलावा दोस्तों कोनान नामक डॉग जो कि अबू बकर अल बगदादी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए काम में लाया गया था, वह भी बेल्जियन शेफर्ड डॉग ही था। तो फ्रेंड्स इस बेल्जियन शेफर्ड का ओरिजिन बेसिकली बेल्जियम से है, जिसे लेट 1800 ईस्वी में डेवलप किया गया था। और इसका जो नाम है मेलिनवा वह बेसिकली लिया गया है एक सिटी से जिसका नाम है मेलिनिस। फ्रेंड्स जहाँ तक इस डॉग ब्रीड की लाइफ स्पैन की बात है, एवरेज लाइफ स्पैन इसका 10-14 ईयर्स रहता है, लेकिन अगर आप इसे ठीक से डाइट देते हैं, ठीक से एक्सरसाइज करवाते हैं, तो ये आसानी से 15-16 ईयर्स तक जी सकते हैं। बेल्जियन शेफर्ड का वेट 25-30 केजी तक हो सकता है, वहीं फीमेल का 20-25 केजी तक हो सकता है। और इससे पहले कि मैं आपको इसका एक्चुअल प्राइस क्या हो सकता है प्योर ब्रीड का उसके बारे में बताऊँ, यह जानना जरूरी है कि यह ब्रीड आपके लिए है या नहीं, या इसे आप आसानी से पाल पाएंगे कि नहीं, या इसका मेन पर्पस क्या है, किन लोगों को यह डॉग पालना चाहिए। तो फ्रेंड यह काफ़ी लॉयल और हाईली इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, प्लस इसमें काफ़ी हाई एनर्जी होती है, बेसिकली एक वर्किंग डॉग है। और इसे ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं अपने घरों में जिनके पास फार्म हाउस है, या सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और कई बार इसे आजकल देखिएगा पुलिस भी इस डॉग को यूज़ करती है। अगर आपके पास एक फार्म हाउस है या एक बड़ा सा घर है, आसपास जगह है, आगे पीछे बैकयार्ड स्पेस है, तो ही इस डॉग को लेना चाहिए। यह अपार्टमेंट लाइफ के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप 2 BHK या 3 BHK फ्लैट में रहते हैं तो यह डॉग तो बिल्कुल नहीं है, बिग नो। तो ध्यान रहे आप इस डॉग को तभी लें जब आप इनके साथ डेली कम से कम 1 आवर टाइम स्पेंड कर पाएंगे, चाहे वो खिलाना हो, चाहे वो वॉक पर ले जाना हो, या आगे पीछे आपके पास स्पेस तो मस्ट होना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास फ्लैट है या छोटे इस घर में रहते हैं तो इस डॉग को बिल्कुल मत रखिएगा। यह बेल्जियन शेफर्ड डॉग घर में आसानी से रह सकते हैं, छोटे बच्चों को इसे भी साथ रह सकते हैं, बशर्ते कि आप उन्हें बेसिक ट्रेनिंग आप दें। तो आइए फ्रेंड्स अब जानते हैं कि एक बेल्जियन शेफर्ड का प्राइस क्या हो सकता है इंडिया में। तो फ्रेंड्स इसके 4 टाइप्स के ब्रीड होते हैं और जो हम लोग इंडिया में देखते हैं वह ब्रीड का नाम है मेलिनवा। तो आपको इंडिया में हर जगह मोस्टली आपको मेलिनवा डॉग ब्रीड ही मिलने वाला है। और एक KCI रजिस्टर्ड प्योर बेल्जियन शेफर्ड का प्राइस आपका 70,000-1,00,000 रुपीज़ हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसका क्या पेडिग्री है, उसका ब्लड लाइन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वह एक प्योर बेल्जियन शेफर्ड डॉग ब्रीड है। फ्रेंड्स अगर आप लोकल आसपास या ऑनलाइन इसका प्राइस चेक कीजिएगा तो आपको 30,000-40,000 के बीच में मिल जाएगा। पर फ्रेंड्स मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप इसे ऑनलाइन परचेस करें। आप हमेशा कोशिश करें कि इसे एक जेन्युइन डॉग ब्रीडर से लें और मिडिल मैन के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़ें। तो फ्रेंड्स अगर आप एक बेल्जियन शेफर्ड घर पर लाने की सोच रहे हैं या अपने फार्म हाउस पर रखना चाहते हैं, तो आपको 70,000 रुपीज़ में आपको एक प्योर KCI रजिस्टर्ड डॉग ब्रीड मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको यहां बेल्जियन शेफर्ड के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।